हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको मेरे चैनल पिक्चर के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड कलर का, इस बटन पर क्लिक करना है जिससे आपको मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी की जो 2018 की वैकेंसी आई है उसके बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो बताने जा रही हूँ। और उसके बाद आपको रेलवे की जितनी भी जो वैकेंसी आई है उसकी फुल डिटेल कि क्या एज लिमिट है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कैसे आपको फॉर्म में अप्लाई करना है और क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग से पूरी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कौन सी है। इंडियन रेलवे है, रिक्रूटमेंट कैटेगरी है ग्रुप डी की, ठीक है। तो जो आपकी पोस्ट है वो ग्रुप डी की पोस्ट है और ग्रुप डी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई हैं 62,907, 62,907 वैकेंसी आई हैं। और कैटेगरी क्या है रेलवे जॉब्स की, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको रिमाइंड कर देती हूँ कि एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट जो पहले से आई थी वो थी 10 फरवरी 2018, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की उसमें चेंज हुआ है तो एक्सटेंड होके लास्ट डेट हो गई है 31 मार्च 2018। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ये एक्सटेंड हो गई है और 31 मार्च 2018 हो गई है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट है 31 मार्च 2018 और लास्ट डेट ऑफ SBI चालान है 31 मार्च 2018। लास्ट डेट पोस्ट ऑफिस चालान है 29 मार्च 2018। और एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट बताई गई है वो है एग्ज़ाम की डेट अप्रैल और मई 2018। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स की इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आप पोस्ट के बारे में जान लीजिए कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए ग्रुप डी में वैकेंसी आई है। तो उसमें है गैंगमैन, स्विचमैन, ट्रैकमैन, केबिन मैन, लेवरमैन, पॉइंट्समैन, हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, ग्रुप डी स्टोर, कीमैन, सेंटर, वेल्डर, फिटर, पोर्टर, हेल्पर मैकेनिकल, हेल्पर SNT, ग्रुप डी इंजीनियरिंग। तो ये पोस्ट है जिनके लिए वैकेंसी आई है। इसके बाद मैं आपको एज लिमिट बता देती हूँ। तो एज लिमिट है 18 से 31 साल, ठीक है, एज लिमिट दी गई है। और एज लिमिट में रिलैक्सेशन किस किस कैटेगरी में है और कितना रिलैक्सेशन है ये भी आप जान लीजिए। तो SC और ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विस मैन के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, PWD अनरिजर्व जो हैं, ठीक है, फिजिकली जो PWD अनरिजर्व हैं जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, PWD जो OBC में हैं उनके लिए 13 साल का रिलैक्सेशन है, और PWD जो SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। इसके बाद सर्विंग रेलवे स्टाफ के लिए अनरिजर्व्ड में अप टू 40 ईयर्स है, सर्विंग रेलवे स्टाफ OBC कैटेगरी में अप टू 43 है, सर्विंग रेलवे स्टाफ SC ST में अप टू 45 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द रेलवे, तो उसके लिए लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर टू मैक्सिमम 5 ईयर्स दिया गया है। विडो डाइवोर्स वूमेन के लिए अनरिजर्व्ड में अप टू 35 है, विडो डाइवोर्स वूमेन OBC में अप टू 38 ईयर्स है, विडो डाइवोर्स्ड वुमेन SC ST में अप टू 40 ईयर्स दिया हुआ है, और एक्ट अपेंट्रिस के लिए अप टू एक्सटेंट ऑफ ट्रेनिंग है। तो ये जो एज रिलैक्सेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद मैं आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो फाइनली फिक्स हुई है वो है 10th और ITI फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकोगनाइज बाई NCVT और SCVT और इक्विवेलेंट और होल्डिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाई NCVT। तो ये फाइनल जो रेलवे ने फिक्स किया है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पे स्केल के बारे में बताती हूँ। तो पे स्केल में क्या दिया हुआ है कि जो मंथली सैलरी है वो 18,000 पर मंथ प्लस अलाउेंसेस एज पर द 7th पे लेवल 1, ठीक है, 7th CPC लेवल 1 के अकॉर्डिंग अलाउेंसेज हैं प्लस 18,000 पर मंथ सैलरी है। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जनरल के लिए 500 रुपये है, और SC ST PWD वुमेन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एक्स सर्विस मैन कैटेगरी के लिए 250 रुपये फ़ीस है एप्लीकेशन की, ओके।
तो ये तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई है। और इसके बाद एप्लीकेशन को आपको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी की है, जिस आरआरबी के में आप अप्लाई करना चाहते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करना है। देन उसके बाद क्या है कि आपको एक लिंक दिखेगा इंडियन रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन CEN फरवरी 2018, ठीक है। तो जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, और लिंक पे क्लिक करने के बाद उसमें डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जिसमें इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को रीड करो, और रीड करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, तो आपको उस अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना है जिससे कि आप प्रोसेसिंग सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब कि पूरा जो फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा, ठीक है ना। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, और जितनी भी डिटेल्स वो पूछता है वो आपको डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, फोटोग्राफ अपलोड करना है, और SC ST के कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है। तो फाइनली आप सबमिट कर दोगे एप्लीकेशन सारी डिटेल फिल करने के बाद, और उसमें एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट आती है, उस रिसिप्ट को आप प्रिंट करा। जो इम्पॉर्टेंट थी इस फॉर्म के रिकॉर्डिंग होने के बाद फाइनल अपडेट है वो मैंने आपको बताया है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए अच्छी वैकेंसी है 10th और ITI इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है, और 62,000 पोस्ट के लिए है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।